फ्रेंड्स कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। तो ऐसे ही मैं जैसा ही आपके लिए एक हमेशा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर से रिलेटेड लेकर के आता रहता हूं, तो वैसे ही मैंने आज एक वीडियो और लेकर के आया हूं। तो मेरे पास रियलमी का एक रियलमी 3 फ़ोन है, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे रियलमी 3। तो ये रियलमी का एक फ़ोन है रियलमी 3, और इसको देखेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। फ्रेंड्स मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो मैं इसकी पावर की को प्रेस करता हूँ और आप देखिएगा, जैसे ही मैं पावर की को प्रेस किया, ये रियलमी लिख करके आ चुका है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, ये करप्टेड करके सिस्टम वेरीफाई DM करेक्टेड करके एक मैसेज आ रहा है और फिर से फ़ोन ऑफ हो गया है। तो हम इसको प्रॉपरली इसका सोल्यूशन करेंगे। हमने देखा, अब जैसे फिर से पावर की हम प्रेस करते हैं तो आपको फिर से वो दिख जाएगा। फ्रेंड्स ये देखेंगे, अभी आप फिर से एक बार आप देखेंगे तो दिख जाएगा। ये देखिए करप्टेड करके एक मैसेज आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसकी सिस्टम फाइल जो है वो करप्ट हो चुकी है फ्रेंड। तो हम इसको, इसका जो भी सोल्यूशन है आप लास्ट तक देखिएगा रियलमी 3। और दूसरी चीज़ में हम क्या क्या बताने वाले हैं, इसमें आपको ऑफलाइन फ्लैशिंग भी बताएंगे, इसमें आपको FP फाइल भी कैसे स्टैक करते हैं वो भी बताएंगे। सारा फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि आपको करना कैसे है फ्रेंड। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ये बड़ी बनेगी। तो थोड़ा वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, आप इसको प्रॉपरली समझिएगा। जो इसमें प्रॉब्लम था वो तो इसकी सिस्टम फाइल करप्ट हो चुकी थी, पर सिस्टम फाइल करप्ट हो गई थी फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या करेंगे सारी चीज़। सबसे पहले हमें फ्लैश ही करना है। तो रियलमी ओप्पो की फ़ोन आप ऑफलाइन कैसे फ्लैश कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए डाल रहा हूँ, ये हमारे स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट के लिए मैं प्रॉपर उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं दे दूंगा, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। मैं ये नहीं कहता कि ये मैं रियलमी का फोन कर रहा हूँ यहाँ पे, या आपको मैं बता दूं कि मीडिया टेक से रिलेटेड जितने भी फोन होते हैं ऐसे ही आपको फ्लैश करना होता है सारी चीजें। बस तो उसमें आपका फाइल और टूल और जो भी मेथड होगा मैं सारा मेंशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप 1 से और लास्ट एंड तक हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सारा चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें इसकी फ्लैश फाइल चाहिए, क्योंकि रियलमी का फोन है, रियलमी 3 है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी फ्लैश फाइल चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी फ्लैश फाइल दिखाता हूँ फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले फ्लैश फाइल में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए इसकी ये रियलमी RMX 182N इसकी फाइल है, जो कि यहाँ पे हमने इसको स्टैक करके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टैक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन जैसे होता है, जैसे जिनके पास ओप्पो रियलमी की आईडी होती है वो डायरेक्ट क्लिक करके जो ऑनलाइन ऑनलाइन बोलते हैं इसको आप यहाँ से कर सकते हैं, हम इसको ऑफलाइन करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मीडिया टेक की जो फॉर्मेट होती है वो होती है स्कैटर। तो स्कैटर हमारा यहाँ पे कोई भी टूल सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल है वो है OFP फाइल। अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फाइल को स्टैक करना है, मतलब OFP फाइल को हमें स्टैक करना है। तो आपके पास बहुत सारे टूल होंगे स्टैक करने से, आप हमें जो सबसे अच्छा लगा, मुझे सबसे बेस्ट लगा, सबसे सेफ तरीका लगा, वो लगा मुझे UMT। तो मैं UMT के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए मैंने फाइल को भी स्ट्रैक कर दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे सारा चीज आपको यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स, मैंने UMT में गया। UMT में जाने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया, स्ट्रैक फॉर्मवेयर, स्ट्रैक फॉर्मवेयर पे क्लिक किया, उसके बाद हमने ये सेलेक्ट किया OFP फॉर्मवेयर। जैसे हम OFP फॉर्मवेयर को सिलेक्ट किया तो हमारे अपने फाइल को सिलेक्ट करना है, जो हमारी फाइल जहाँ पे रखी हुई है डेस्कटॉप, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी 3 और ये हमारी फाइल, और यहाँ पे ये देखे, और यहाँ पे OFP फाइल को ये सेलेक्ट कर लेगा और आपकी फाइल इजिली तरीके से स्ट्रैक हो जाएगी। टाइम लगता था इसलिए मैंने सारा प्रोसेस करके रखा हुआ है। तो चलिए ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड स्टेप हमारा क्या आता है, सेकंड स्टेप हो गया हमारा फाइल को स्ट्रैक करना। तो हमारे देख सकते हैं ये स्ट्रैक्ट हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी है, जो कि हमने इसको UMT से स्ट्रैक किया हुआ है। यहाँ पे आपको स्कटर फाइल मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ऑथ फाइल मिल जाएगी, सारा चीज़ें क्या होता है वो आपको फाइल में ही मिल जाती है फ्रेंड। अब हम इसको कर देते हैं मिनाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्कैटर फाइल भी आ चुकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथ फाइल भी हमारे पास आ चुकी है। अब हमें इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इसका टूल चाहिए। तो टूल के लिए मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा SP फ्लैश टूल, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये हो गई इसकी फाइल। अब हम चलेंगे इसके टूल पे, ये हो गई स्ट्रैक्ट फाइल, अब हम चलेंगे इसके टूल पे। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया इसका फाइल हो गया, अब ये टूल। तो देख सकते हैं SP फ्लैश टूल जो वर्जन में यूज कर रहा हूँ 1924 ही आप यूज करें, ये सारा चीज आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे उसको प्रॉपरली बात करके आपको बता रहा हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इस टूल को हम ओपन कर लेते हैं।
अब यहाँ पे इसको हम कर देंगे कट, और यहाँ पे हम टूल पे ओपन कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारा है, ये है फ्लैश टूल EXE, और इसको कर देंगे हम फिलहाल कट, और इसको भी कर देंगे मिनिमाइज। ये हमारा SP फ्लैश टूल ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी तो, पर वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, आई होप इतना डीपली से कोई भी समझाता होगा, पर बट मैं आपको आपको डीपली तरीके से समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चीज़, आपको DA फाइल नहीं देनी है, DA फाइल यहाँ पे टूल का ही ले लेगा। उसके बाद आपको चूज स्केटर, तो अगर आप OFP फाइल यहाँ पे नहीं लेता, अगर जब तक आप उसको स्ट्रेक नहीं करते तब तक आपका नहीं होता। तो फ्रेंड्स हम जाएंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे, हमारा रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, यहाँ पे स्ट्रैक्ट करके हमारी फाइल यहाँ पे स्ट्रैक हुई है। अब ये देखिए स्केटर फाइल को हम दे देंगे। स्केटर फाइल जैसे ही हमारी लोड हो जाती है, उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, उसके बाद हमें देना है यहाँ पे ऑथ, ऑथ फाइल देनी है। तो देख सकते हैं ऑथ फाइल, ये आपको टूल का भी दे सकते हैं, क्योंकि टूल में भी यहाँ पे है फाइप है, पर हम दे देंगे इसको फाइल के साथ। तो हम जाएंगे डेस्कटॉप स्ट्रैक में जाएंगे, और आप देख सकते हैं वही फाइल है जो यहाँ पे ऑथ वाली फाइल हमने दे दी है। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। ये ऑफलाइन फ्लैशिंग में आपको फुल मेथड आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, जैसे ये फोन है, अब इसके पोर्ट को स्टेबल करने के लिए भी आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसे MCT टूल बोलते हैं, MCT बाईपास टूल। जैसा कि आप ये इंटरफेस आप ये देख पा रहे हो MTK, आप इसको डबल क्लिक करना है, ओपन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रहा हूँ। इसको आपको कर लेना है यहाँ पे फिलहाल, देख सकते हैं मैं दोनों चीज़ यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको फ्लैश करने से पहले पहले मैं ये इंटरफेस आपको कंप्लीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे ओप्पो सर्वर आप देख रहे हैं इसको, आप ये ऑनलाइन का सर्वर होता है, आप इसे केवल अनटिक कर देंगे। तो मैं आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको ओप्पो सर्वर को अनटिक कर देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है इस MCT बाईपास टूल में। आपको यहाँ पे केवल और केवल बाईपास पे क्लिक कर देना है। MTK का ड्राइवर आपको वी काउंट प्रीलोडेड ड्राइवर आप में होना चाहिए, तब जाके होगा। अब इस फोन को हमें क्या करना है प्रॉपरली तरीके से, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली आप एक काम कर सकते हैं कि आप बार बार एरर आता है, पहले आप बिना इसको डाउनलोड पे क्लिक किए हुए आप इसको फ्लैश करिए। नहीं, अगर आप में कोई दिक्कत आती है तो आप दोनों को एक साथ ही डाउनलोड पे भी और बाईपास पे दोनों को एक साथ क्लिक कर लीजिए, जैसा कि मैं यहाँ पे दोनों एक साथ ही कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने डाउनलोड पे भी क्लिक कर दिया है और यहाँ पे बाईपास पे भी क्लिक कर दिया है। अब हमें सिंपल इसका वैल्यूम अप और डाउन दबा के कनेक्ट करना है। वैल्यूम अप डाउन दबा करके इसे फ्रेंड हमें कनेक्ट करना है। तो मैं वैल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस कर दिया हूँ, और डाटा केबल में इन कर रहा हूँ, ये मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, तो ये देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा यहाँ पे ये हमने इसको कनेक्ट करके रखा, और ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और इसमें अगर आपको एक दो बार में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत लेने वाली फ्रेंड्स नहीं है। मान लीजिए कनेक्ट एक बार में नहीं हुआ तो आपको दो बार, मैं फोन को सिंपल तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ। छोटा सा अपडेट मैं यहाँ पे देना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत फंसती है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ड्राइवर पोर्ट भी कम्प्लीटली हो चुका है, बन गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ओके ओके सब कुछ वेरीफाई ओके हो चुका है, और यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने फ्लैशिंग हमारी कम्प्लीटली प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स। अगर आपको कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आती है तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, ऐसे ही आप ओप्पो रियलमी का कोई सा भी मीडियाटेक से रिलेटेड आप फोन को अनलॉक और फ्लैश कर सकते हो। ऐसे ही आप अनलॉक कर सकते हैं बाईपास में जाकर के, सारा चीज इसी टूल के माध्यम से आप कर सकते हो। तो ये हमारा चल रहा है प्रोसेस फ्लैशिंग, ऑनलाइन फोन को ऑफलाइन कैसे फ्लैश करते हैं। हमने आई होप आपको फुल डिटेल में यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश की है फ्रेंड्स। अगर आपको प्लीज अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आप फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं 83 हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। मैं आपके सामने यहाँ पे आपके सामने लाइव यहाँ पे मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ। तो ये जो टूल था MST टूल, अगर नहीं होता है तो आपको वापस से एक बार कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लीजिए, या फिर फ्रेंड्स अपने फोन को बार बार रिस्टार्ट करिए और दो तीन बार कनेक्ट करिए, आपका कनेक्ट 100% हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मैं आपके सामने लाइव ही कर रहा हूँ, और ये हमारा जो कंप्लीट प्रोसेस है, यहाँ पे यूजर डाटा भी फ्लैश हो रहा है, सिस्टम की फाइल हमारी राइट हो चुकी, क्योंकि इसमें जो था सिस्टम की फाइल करप्ट हो चुकी थी फ्रेंड, इस कारण वो वहाँ पे DA इनक्रप्टेड का एक मैसेज आ रहा था वहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है, बट मैंने कोई भी फेक वीडियो में नहीं डालता हूँ। यहाँ पे मेरा फोन रखा हुआ है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके सामने फिर से एक लाइव करके दिखाऊंगा। मैंने आप देख सकते हैं तीन पार्ट में दिखाई दे रहा होगा, एक हमारा टूल और एक हमारा फ्लैश टूल, ये जो बाईपास कर रहा है हमारे ड्राइवर को, हमारे पोर्ट को जो बाईपास कर रहा है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो पोर्ट स्टेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं USB मीडियाटेक USB पोर्ट V16 जो भी इसका एड्रेस है,
आप यहाँ पे ये सारी चीजें देख सकते हो। तो ये 59-60% हो चुका है। टाइम जो लग गया है यहाँ पे फ्लशिंग का वो लग चुका है 3 मिनट, 3.5 मिनट अभी टाइम इसमें प्रोसेस में लग चुका है। और आई होप आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही आप ओप्पो वीवो कैसे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है मैंने इस वीडियो में सारा कवर कर दिया है। आपको फाइल डाउनलोड करनी है, फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको टूल डाउनलोड करनी है, टूल डाउनलोड करने के बाद आपको एमएसटी टूल पे पोर्ट को स्टेबल करना है। मैं ये सारा चीज हाईलाइट आपके सामने एक बार फिर से मैंने बता दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे कम्प्लीटली हमारा ये प्रोसेस अभी हो जाएगा फाइनली 99%। ये देखिए ओके हो चुका है। ये वही फोन है, डाटा केबल से लगा हुआ है। तो मैं डाटा केबल से इस फोन को निकाल देता हूँ फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने डाटा केबल से निकाल दिया। फोन को हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए फोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। और जैसे ही ऑन होता था फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैसेज आता था और हमारा फोन वापस से बंद हो जाता था। फाइल हमारी करप्ट हो चुकी थी, ये देख सकते हैं। अभी भी कोई हमारा फोन बंद नहीं हो रहा है, स्टेबल है। और ये हमारा फर्स्ट लोगो के बाद सेकेंड लोगो आ चुका है। मतलब जो हमारा काम था फ्रेंड्स, ये हमारा 110% सक्सेस हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो अगर आपको प्लीज अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक से आपकी मेरे को बहुत एक हेल्प मिलती है। ऐसे ही आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो लास्ट एंड तक आप वेट करिए थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं फाइनली इसको चालू करके आपको बताऊंगा कि ये देख सकते हैं वहां पे थोड़ा सा बूट होने में टाइम लगा था, तो मैंने वहां पे वो कर दिया था। तो ये देख सकते हैं हमारा ये फोन, ये जॉब डन हो चुका है। फॉर्मेट शायद आपको यहाँ पे दिख रहा हो, तो ये देख सकते हैं हमारा ये स्क्रीन पे आ चुका है। तो अब इसको करना क्या फ्रेंड्स, आपको जाना है, आपको इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी शायद आपको यहाँ से ना दिख रही हो। आपको इमरजेंसी में जाने के बाद सिंपल ही आपको डायल करना है *813 हैज। आप जैसे ही 813 हैज डायल कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ पे मैजिक की तरह ये फोन कम्प्लीटली प्रोसेस ये ऑन देख सकते हैं। अभी ये स्टार है 813 हैज, और ये आपके सामने ही देख सकते हैं ये हमारा जॉब डन हो चुका है। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड, तो प्लीज हमारे इस वीडियो को प्लीज कमेंट और लाइक सेक्शन करके बिल्कुल बताइए कि आपको ये कैसा लगा है। तो रियलमी का 3 आपके सामने, आप ये देख सकते हो हमने इसको जॉब डन कर दिया यहाँ पे। ये देखिए फाइनली ये हमारा हो चुका है। तो इसको मतलब ये मत लीजिएगा कि मैंने Realme 3, आप ऐसे ही हर एक फोन को कर सकते हैं, चाहे ओप्पो वीवो से रिलेटेड आप किसी भी फोन को इजी तरीके से फ्लैश कर सकते हैं। तो आइए वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।